वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं घर के टमाटर से जो हमारे किचन में रोज़ हम यूज़ करते हैं उससे टमाटर कैसे उगाएं, उसकी सीडलिंग कैसे करें, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी अपडेट सहित देंगे। ये देखिए, ये टमाटर है, इसको मैंने खूब पका हुआ हेल्दी टमाटर ले लें। उसके बाद उसको करने के इसके लगाने के लिए मैंने दो हिस्सा गार्डन साइल लिया है, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा काउडंग, खूब तैयार हुआ 2 साल पुरानी खाद मैंने ले लिया है। उसके लिए देखिए, एक जालीदार मैंने डलिया ले लिया है और डलिया को कवर करने के लिए, ये पहले से कवर हुई थी और इसको एक कपड़ा ले लेते हैं, इसको इससे इस कपड़े से इस डलिया को बिल्कुल कवर कर देंगे। ये देखिए, इसमें ऑलरेडी होल्स हैं तो इसमें होल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया, ये देखिए इस तरह से मैंने कवर कर दिया। अब इसको हम मिट्टी को मिलाएंगे, तीनों चीज़ को मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि सीडलिंग करते समय अपनी गार्डन साइल और रेत का ज़्यादा उपयोग करें, खाद जितना ही कम यूज़ करेंगे उतना ही हमारा वो सक्सेस होगा, क्योंकि खाद से अक्सर सीडलिंग ख़राब हो जाती है। इस तरह से सब मिक्स करके हम इसको इसमें फिल कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से फिल कर देंगे और फिर टमाटर की ऐसे स्लाइसेस काटेंगे। इस तरह से मैंने टमाटर की स्लाइसेस कर लिया है और इसको हम इसके ऊपर ऐसे ऐसे देखिए, इसमें सीड्स जो हैं, ये हमारे बहुत सारे सीड्स हैं, इनके स्लाइसेस को हम इस तरह से रखते जाएंगे। ये देखिए, 4 स्लाइस मैंने रख दिया है और इसमें बहुत सारे सीड्स हैं, और अब हम इनके ऊपर उतनी ही मिट्टी डालेंगे जिससे कि मेरा ये पूरा कवर हो जाए, पूरा ढक जाए। इस तरह से देखिए, पूरा मैंने कवर कर दिया। अब इसमें हम खूब मिट्टी डाल देंगे, अरे पानी डाल देंगे। इसको मैंने पानी डाल दिया, देखिए मेरी सारी स्लाइसेस ढक गई हैं। अब इसको हम किसी शेडी एरिया में 3-4 दिन रखेंगे और फिर इसको धीरे धीरे हल्की धूप में ले आएंगे। हल्की धूप में लाने से जर्मिनेशन अच्छा होता है, जब इसको गर्मी मिलती है धूप की तब ये अच्छा जर्मिनेशन होता है। और फ्रेंड्स, इसको एक तरीका और उगाने का है जिसको कि हम आपको बताएंगे। जैसे ये टमाटर है, इसमें भी देखिए सीड्स हैं, इसकी प्यूरी इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, ये देखिए इसमें भी सीड्स आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये पल्प निकाल लीजिए और इस पल्प को आप पल्प से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको भी इस पल्प को जो निकाल के और इस तरह से मिट्टी तैयार करके उसमें डाल के सेम यही प्रोसेस होगी, तो आप वैसे भी टमाटर की सीडलिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने जो सीडलिंग करी थी उसका मैं अपडेट आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उस समय मेरे पास कुछ खाली नहीं था, तो मैं जैसा पल्प से आपको ग्रो करना बता रही थी,
ये देखिए मैंने डाल दिए थे पल्प, और देखिए कितना अच्छा अब इसमें तीसरी चौथी पत्ती भी निकलने लगी है। जैसा आप देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये यहाँ भी, और देखिए दो मिर्ची के पेड़, मिर्ची भी मैंने डाल दी थी, तो दो ही अब इनको ट्रांसप्लांट करना है। फ्रेंड्स, जब मेरी सीडलिंग इस तरह से 4-5 इंच की हो जाए, ये देखिए ये टमाटर की सीडलिंग है, इस तरह से तैयार हो जाए, तो आप इसको किसी गमले में 8-10 इंच के गमले में या किसी ग्रो बैग में कहीं भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इस गमले में मेरी पहले की पुरानी मिट्टी कोई प्लांट लगा था, इसमें मैं थोड़ी नई मिट्टी डालूंगी। और प्लांट लगाते समय आप बर्मी कंपोस्ट और नीम खली का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसको इस समय जो है ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट और जो मैंने मिट्टी तैयार की थी उसको डाल दिया, और इसको खूब बढ़िया होल करके, ये देखिए, और इसके जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाग को सीडलिंग के अंदर जाने दीजिए, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत मुलायम होती है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही हमारा ये सक्सेस होगा। फिर अब मैंने इसको देखे अच्छे से लगा दिया, और अब इसको खूब पानी से भर देंगे इस तरह से। देखिए ये मेरा टमाटर का प्लांट लग गया। अब इसको हम 2-3 दिन शेडेड एरिया में रखेंगे, फिर उसके बाद इसको हम धीरे धीरे करके धूप की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, और फिर धूप में ये मेरा टमाटर खूब अच्छा फ्रूटिंग करेगा। हम हर बार ऐसे ही लगाते हैं, शिमला मिर्च, मिर्ची, टमाटर, हर चीज़ लगाते हैं। ये देखिए लहसुन। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।